सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू बिफोर परचेजिंग। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बेस्ट एयर फ्रायर ओवन्स के बारे में, और साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको किसी भी एयर फ्रायर ओवन को परचेज करने से पहले पता होने बहुत जरूरी है। इस वीडियो के अंदर हम एयर फ्रायर और एयर फ्रायर ओवन्स के डिफरेंस के बारे में भी जानेंगे, और साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि एयर फ्रायर ओवन्स एयर फ्रायर से कैसे बेटर होते हैं। इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद मैं यहाँ पर आपके साथ में शेयर करूंगा टॉप 5 बेस्ट एयर फ्रायर ओवन्स जो कि इंडियन मार्केट में अवेलेबल है। इन सभी एयर फ्रायर्स के हम हर एक फीचर के बारे में डिटेल में जानेंगे, और साथ ही साथ इनके प्राइस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और इन पांचों एयर फ्रायर ओवन्स के जो डायरेक्ट लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए हैं, आप उनको जरूर चेक कर सकते हैं। और अगर आप सब्सक्राइबर नहीं तो आप बिफोर परचेजिंग को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। एक नॉर्मल बास्केट एयर फ्रायर में और एक ओवन एयर फ्रायर में मेजरली 3 डिफरेंस होते हैं। सबसे पहला डिफरेंस यहाँ पर आता है कि एक एयर फ्रायर ओवन के अंदर आप ज्यादा क्वांटिटी में फूड को कुक कर सकते हैं एज कम्पेयर टू बास्केट एयर फ्रायर, और साथ ही साथ एक एयर फ्रायर ओवन के अंदर आपको ज्यादा कुकिंग मेन्यूज ऑप्शंस भी मिलते हैं, जैसे कि रोटरी सी फंक्शन, टोस्टिंग, बेकिंग, रीहीटिंग और भी काफी अलग अलग डिफरेंट कुकिंग ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। सेकंड मेजर डिफरेंस ये होता है कि एक एयर फ्रायर ओवन बहुत ही इजी टू क्लीन होता है अगर हम उसको नॉर्मल बास्केट एयर फ्रायर से कंपेयर करें। और लास्टली एक एयर फ्रायर ओवन के अंदर आपको रोटेटिंग बास्केट मिलती है जिसकी हेल्प से आपका जो फूड है वो इवनली कुक हो पाता है। किसी भी एयर फ्रायर को परचेस करने से पहले सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर आता है उसकी कैपेसिटी। अगर आपकी फैमिली के अंदर एक या फिर 2 मेंबर्स हैं तो आपको एक स्मॉल कैपेसिटी वाले एयर फ्रायर की तरफ जाना चाहिए, यानी कि 4 से 6 लीटर्स वाले एयर फ्रायर आपके लिए बेस्ट वर्क करेंगे। और अगर आपकी फैमिली के अंदर 3 to 5 मेंबर्स हैं तो आपको एक मीडियम साइज एयर फ्रायर की तरफ जाना चाहिए, और मीडियम और लार्ज साइज फैमिली के लिए एक एयर फ्रायर ओवन परफेक्टली काम करता है। इस वीडियो के अंदर हम आगे 10 लीटर से लेकर 23 लीटर तक की कैपेसिटी वाले एयर फ्रायर ओवन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर आता है एयर फ्रायर ओवन का टेम्परेचर और उसकी पावर। अलग अलग एयर फ्रायर्स के अंदर आपको डिफरेंट टेम्परेचर रेंजेस मिल जाती हैं, और साथ ही साथ आपको अलग अलग पावर ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। जितनी ज्यादा एयर फ्रायर के अंदर टेम्परेचर रेंज होगी और जितनी ज्यादा उसकी पावर होगी उतने ही कम टाइम में वो आपका फूड इजिली कुक कर पाएगा। वीडियो के अंदर हम आगे जो भी एयर फ्रायर ओवन्स के बारे में डिस्कस करेंगे उनकी पावर भी मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। एक एयर फ्रायर ओवन परचेज करते वक्त नेक्स्ट चीज जो कि आपको जरूर चेक करनी चाहिए वो आती है यहाँ पर डिस्प्ले। 2 टाइप की डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिल जाती है। पहली यहाँ पर आती है डिजिटल डिस्प्ले और सेकंड यहाँ पर आती है एनालॉग डिस्प्ले, और ये टोटली डिपेंड करता है आपकी पर्सनल प्रेफरेंस क्या है। दोनों ही डिस्प्ले वाले एयर फ्रायर ओवन्स के बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो कि ज्यादातर लोगों को कंफ्यूज करता है वो ये है कि अगर आपके एयर फ्रायर ओवन के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो किसको कॉन्टैक्ट करें, और यही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। इस वीडियो के अंदर जो भी ब्रांड्स मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा उन सभी के कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको बताऊंगा। और लास्टली किसी भी ब्रांड का एयर फ्रायर ओवन परचेज करने से पहले आपको उसके ऊपर मिलने वाली वारंटी को जरूर चेक करना चाहिए। वीडियो के अंदर हम आगे जो भी ब्रांड्स डिस्कस करेंगे उनके अंदर आपको 1 से 2 ईयर्स की वारंटी मिल जाती है, और अगर आपको लगता है कि ये 1 से 2 ईयर की वारंटी आपके लिए इनफ नहीं है तो आप एक एक्सटेंडेड वारंटी प्लान भी ले सकते हैं। सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए हैं। नंबर 5 पर यहाँ पर आता है वंडर शेफ की तरफ से आने वाला क्रिम्सन एज एयर फ्रायर ओवन। ये एयर फ्रायर ओवन 23 लीटर्स की कैपेसिटी के साथ में आता है, और इसके अंदर आपको 1700 वॉट की पावर मिल जाती है। इस एयर फ्रायर के साथ में आने वाली एसेसरीज को आप फिलहाल डिस्प्ले के ऊपर देख सकते हैं, और अगर यहाँ पर कुछ स्पेशल फीचर्स को डिस्कस किया जाए तो इसके अंदर आपको 360 डिग्री एयर सर्कुलेशन टेक्नोलॉजी मिलती है जिसकी हेल्प से हॉट एयर यानी कि गर्म हवा एयर फ्रायर के अंदर इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है जिसकी हेल्प से आपका जो फूड है वो क्विकली कुक हो पाता है। ये एयर फ्रायर 2-in-1 डिजाइन के साथ में आता है, यानी कि आप इसको एज अ एयर फ्रायर और एज अ OTG भी यूज कर सकते हैं, और इसके अंदर आप बेकिंग, एयर फ्राइंग, टोस्टिंग और रीहीटिंग इजिली कर पाएंगे। इस एयर फ्रायर के अंदर आपको 60 मिनट टाइमर फंक्शन भी मिलता है जो कि ऑटो शट ऑफ फीचर के साथ में आता है। एनालॉग डिस्प्ले पैनल यहाँ पर आपको मिल जाता है, और एक इंडिकेटर बेल भी यहाँ पर आपको दी गई है। अगर हम फिलहाल इसकी प्राइसिंग के बारे में बात करें तो 10,000 रुपीज के अप्रॉक्स की है, और वंडर शेफ की तरफ से यहाँ पर आपको मिलती है 2 ईयर्स की वारंटी। ये एयर फ्रायर ओवन आपके लिए एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन हो सकता है अगर आपकी लार्ज साइज फैमिली है तो। सभी बेसिक फीचर्स इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर कॉन्स की बात करें तो इसकी बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर थोड़ी सी और इम्प्रूव की जा सकती थी,
और साथ ही साथ यहाँ पर आपको कोई भी डिजिटल डिस्प्ले नहीं मिलता है। वंडर शेफ की सर्विसिंग के लिए या फिर कंप्लेंट्स के लिए आप इस नंबर पर या फिर इस मेल आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लिस्ट के अंदर नंबर सेकंड एयर फ्रायर यहाँ पर आता है हैवल्स की तरफ से, हैवल्स का डीजी एयर फ्रायर एयर अवन। ये एयर फ्रायर 10 लीटर्स की कैपेसिटी के साथ में आता है और इसके अंदर आपको 1500 वॉट की पावर मिल जाती है। इसके साथ में आने वाली एसेसरीज को आप फिलहाल स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर कुछ स्पेशल फीचर्स को डिस्कस करें तो इसके अंदर भी आपको 360 डिग्री एयर सर्कुलेशन टेक्नोलॉजी का ऑप्शन मिल जाता है। हैवल्स का ये एयर फ्रायर 9 ऑटो कुक प्रीसेट ऑप्शंस के साथ में आता है और इसके अंदर आपको एडजस्टेबल टेम्परेचर और ऑटो शट ऑफ जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। ये एयर फ्रायर डिजिटल डिस्प्ले पैनल के साथ में आता है जिसको आप इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। हैवल्स के इस एयर फ्रायर के अंदर आपको अप टू 90 मिनट्स टाइमर भी मिल जाता है और इसके अंदर आपको डिहाइड्रेटर ऑप्शन भी मिल जाता है। डिहाइड्रेटर ऑप्शन का बेनिफिट आपको ये मिलता है कि आप अपने फूड को इजीली ड्राई कर सकते हैं, यानी कि उसके अंदर कोई भी मॉइस्चर नहीं आएगा, जिसकी हेल्प से उसकी जो लाइफ है वो थोड़ी सी और इंक्रीज हो जाती है। इस एयर फ्रायर के अगर हम फिलहाल प्राइस के बारे में बात करें तो वो 11,800 रुपीस के अप्रॉक्स का है और हैवल्स की तरफ से यहाँ पर आपको मिलती है 2 ईयर्स की वारंटी। हैवल्स का ये एयर फ्रायर ओवन बहुत ही इजी टू क्लीन प्रोडक्ट्स में से एक है और ऑलमोस्ट यहाँ पर आपको सभी रिक्वायर्ड फीचर्स भी मिल जाते हैं। अगर हम यहाँ पर कॉन्स की बात करें तो इसकी कैपेसिटी सिर्फ 10 लीटर्स की है, यानी कि अगर आपकी फैमिली एक लार्ज साइज फैमिली है तो शायद ये आपके लिए वर्क ना कर पाए। और सेकंड कॉन इस प्रोडक्ट का ये है कि इसके साथ में आपको कोई भी यूजर मैनुअल और रेसिपी मैनुअल नहीं मिलती है, लेकिन ये दोनों कॉन्स अगर आपके लिए मैटर नहीं करते और साथ ही साथ आपका जो बजट है वो अराउंड 12,000 रुपए के अप्रॉक्स का है तो आप इसकी तरफ जरूर जा सकते हैं। हैवल्स की सर्विसिंग के लिए या फिर उनकी किसी भी कंप्लेंट्स के लिए आप इस मेल आईडी पर या फिर इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर थर्ड एयर फ्रायर ओवन के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि यहाँ पर आता है ग्रीक एयर कुक की तरफ से एसिस मॉडल। ये एयर फ्रायर 14 लीटर की कैपेसिटी के साथ में आता है जिसके अंदर आपको 1250 वॉट की पावर मिल जाती है। इस एयर फ्रायर ओवन के अंदर आप टोस्टिंग, बेकिंग, ब्रॉयल, एयर फ्राइंग और रीहीटिंग इजीली कर पाएंगे और इसीलिए ही ग्रीक एयर कुक का कहना है कि ये एयर फ्रायर ओवन 5-in-1 है, मतलब कि ये आपको OTG कन्वेक्शन माइक्रोवेव, एयर फ्रायर, ग्रिलर और इवन की टोस्टर की तरह भी परफेक्टली काम करेगा। अगर हम यहाँ पे इसके कुछ स्पेशल फीचर्स को डिस्कस करें तो इसके अंदर आपको बिल्ड इन ओवन लाइट मिलती है, मतलब कि एयर फ्रायर के अंदर आपको एक लाइट दी गई है जिसकी हेल्प से आप अपने फूड को मॉनिटर कर पाएंगे और उस लाइट को आप ऑन ऑफ स्विच से कंट्रोल भी कर पाएंगे। ये एयर फ्रायर भी 360 डिग्री एयर सर्कुलेशन टेक्नोलॉजी के साथ में आता है और इसके नॉनस्टिक इंटीरियर होने की वजह से आप इसकी क्लीनिंग को भी बहुत इजीली कर पाते हैं। इस एयर फ्रायर के साथ में आपको ये सारी एसेसरीज मिल जाती हैं और स्पेशल बात यह है कि एक परफेक्ट बिल्ड क्वालिटी के साथ में आता है जो कि स्टेनलेस स्टील मटेरियल की बनी हुई है। ये एयर फ्रायर एनालॉग कंट्रोल पैनल के साथ में आता है और इसके अंदर भी आपको ऑटो शट ऑफ जैसे फीचर्स दिए गए हैं। फिलहाल अगर हम इसके प्राइस के बारे में बात करें तो वो ऑलमोस्ट 9,000 रुपीस के अप्रॉक्स का है और ग्रीक एयरो कुक की तरफ से यहाँ पर आपको 3 वेरिएंट मिलते हैं। फर्स्ट वेरिएंट को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड मॉडल इसका डीजेक्स आता है जो कि 30 लीटर की कैपेसिटी के साथ में आता है और उसके अंदर आपको डिहाइड्रेटर का ऑप्शन भी मिल जाता है। इस डीजेक्स मॉडल के अंदर आपको डिजिटल डिस्प्ले भी मिलती है और थर्ड मॉडल यहाँ पर आता है इसरिच प्लस, जिसकी कैपेसिटी 23 लीटर्स की है। आप अपनी रिक्वायरमेंट और बजट के अकॉर्डिंग इन तीनों मॉडल्स में से जो भी आपके लिए सूटेबल है उसको आप चूज कर सकते हैं। तीनों ही मॉडल्स के ऊपर आपको 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है। और अगर हम यहाँ पर कॉन्स की बात करें तो इसके स्टेनलेस स्टील मटेरियल होने की वजह से थोड़े से बॉडी हीटिंग प्रॉब्लम्स भी आपको फेस करने पड़ सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ये एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स में से एक है और सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए हैं। ग्रीक एयरो कुक की सर्विसिंग के लिए या किसी भी कंप्लेंट्स के लिए आप इस नंबर पर या फिर इस मेल आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर सेकंड एयर फ्रायर ओवन के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि यहाँ पर आता है इनाल्सा की तरफ से, इनाल्सा का एयरो क्रिप्स मॉडल। ये मॉडल 10 लीटर्स की कैपेसिटी के साथ में आता है और इसके अंदर आपको 1500 वॉट की पावर मिल जाती है। इस मॉडल के अंदर 10 डिफरेंट ऑटो कुक मेन्यूज ऑप्शंस मिल जाते हैं और डिहाइड्रेट और रीहीट जैसे ऑप्शंस भी यहाँ पर आपको दिए गए हैं। इनाल्सा के इस मॉडल के साथ में आपको ये सारी एसेसरीज मिल जाती हैं और इसके अगर हम कुछ स्पेशल फीचर्स को डिस्कस करें तो इसके अंदर आपको इंटीरियर लाइट भी दी गई है और ये स्मोक फ्री फंक्शन के साथ में आता है। स्मोक फ्री यानी कि इस एयर फ्रायर ओवन के अंदर आपको रूफ हीटिंग टेक्नोलॉजी मिलती है जिसकी हेल्प से इस ओवन के अंदर स्मोक जनरेट नहीं होता है जब आप फैटी फूड को कुक करते हैं। इस ओवन के अंदर आपको मल्टी लेवल डिजाइन भी मिलता है, यानी कि आप अपने डिफरेंट फूड्स को सेपरेटली कुक कर सकते हैं एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम। ये एयर फ्रायर भी डिजिटल डिस्प्ले पैनल के साथ में आता है और इसका बिल्ड क्वालिटी मटेरियल भी स्टेनलेस स्टील और प्लास्टिक का बना हुआ है। फिलहाल अगर हम इसके प्राइस के बारे में बात करें तो वो 8,000 रुपीस के अप्रॉक्स का है और अगर आप इसके 23 लीटर्स वाले वेरिएंट की तरफ जाएंगे तो उसकी प्राइसिंग अराउंड 11,000 रुपीस के अप्रॉक्स की है। ये प्रोडक्ट
एक परफेक्ट बजट फ्रेंडली ऑप्शंस में से एक है और इसके अंदर आपको ऑलमोस्ट सभी रिक्वायर्ड फीचर्स मिल जाते हैं। लेकिन अगेन प्रॉब्लम यह है कि इसकी स्टेनलेस स्टील बिल्ड क्वालिटी होने की वजह से हो सकता है कि इसके अंदर आपको हीटिंग इश्यूज देखने के लिए मिले। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा मेजर कॉन नहीं है तो आप इसकी तरफ जरूर जा सकते हैं। और इनाल्सा की सर्विसिंग के लिए या फिर किसी भी कंप्लेंट्स के लिए आप इस नंबर पर या फिर इस मेल आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमारे लिस्ट के नंबर वन प्रोडक्ट को कंसिडर कर सकते हैं जो कि यहाँ पर आता है अगारो की तरफ से, अगारो का रीजेंसी मॉडल। ये एयर फ्रायर 12 लीटर की कैपेसिटी के साथ में आता है और इसके अंदर आपको 1800 वॉट की पावर मिल जाती है। इस एयर फ्रायर के अंदर आपको 9 ऑटो कुक मेन्यूज ऑप्शंस मिल जाते हैं जिनकी हेल्प से आप बेकिंग, रोस्टिंग, टोस्टिंग, ग्रिलिंग और रीहीटिंग इजीली कर पाएंगे। इस एयर फ्रायर ओवन के अगर हम टेम्परेचर रेंज के बारे में बात करें तो वो 80 डिग्री सेल्सियस से 220 डिग्री सेल्सियस तक की है और इसके अंदर आपको 1 मिनट से लेकर 90 मिनट तक का टाइमर फंक्शन भी मिल जाता है। एयर फ्रायर ओवन के अंदर आपको डिहाइड्रेशन फंक्शन भी मिल जाता है। इस एयर फ्रायर ओवन के साथ में आपको ये सारी एसेसरीज मिल जाती है जिनको आप फिलहाल स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अगर हम इसके कुछ स्पेशल फीचर्स को डिस्कस करें तो इसके अंदर आपको ओवरहीट प्रोटेक्शन, ऑटोमेटिक शट ऑफ और सर्किट ओवरलोड प्रोटेक्शन जैसे फीचर्स भी दिए गए। अगारो का ये अवन एक डिशवॉशर सेफ अवन्स में से एक है जिसके अंदर आपको इंटीरियर लाइटनिंग मिलती है और टच कंट्रोल पैनल भी मिल जाता है। ये अवन 360 डिग्री एयर सर्कुलेशन टेक्नोलॉजी के साथ में आता है जिसकी हेल्प से आपका फूड इवनली और बहुत ही कम टाइम में कुक हो पाता है। अगारो का ये एयर फ्रायर अवन बहुत ही ईजी टू क्लीन प्रोडक्ट्स में से एक है जिसके फिलहाल हम प्राइस के बारे में बात करें तो वो सिर्फ 8000 रुपीस के अप्रॉक्स का है। अगारो की तरफ से यहाँ पर आपको मिलती है 2 ईयर्स की वारंटी और सर्विसिंग और कंप्लेंट्स के लिए आप इस नंबर पर या फिर इस मेल आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर हम अगारो के इस एयर फ्रायर ओवन के कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो इसके अंदर कोई भी हाईली मेजर कॉन्स नहीं है। और अगर हम यहाँ पर कॉन्स की बात करें तो इस प्रोडक्ट के अंदर कोई भी हाईली मेजर कॉन्स नहीं है। और अगर आपका 8 से 9000 रुपीज के अप्रॉक्स का बजट है तो आप इसकी तरफ डेफिनेटली जा सकते हैं। सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए हैं। और अगर आप कोई भी पर्सनल रिकमेंडेशन चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आप मुझसे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं अपनी नीड और अपने बजट के अकॉर्डिंग।